सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, जी एग्जांपल 9.1 ना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जी 8th क्लास मैथ है। ये किसी बच्चे का कमेंट आया था कि जी एग्जांपल समझा दो। लो इसे देखते हैं। ये इसमें तीन पार्ट है, फिगर्स दी हुई है, इनमें पेरीमीटर निकालना है। लो वारी वारी सर जी तीनों फिगर्स का पेरीमीटर निकालते हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट है ना, जहां 3 + 3 = 6 है, तो जहां 3 लिख दिया, जहां थोड़ी मिस्टेक है, हम करके मैं करके दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन ये करना इजी वे से। लो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर। लो जे सेमी सर्कुलर है, पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, दैट इज 2πr। पेरीमीटर कहते किसे हैं वो देख लें। जो तो सर्कुलर फिगर्स होती हैं, उन्हें हम वहां हम इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आम जो दूसरी फिगर है, जैसे रिक्टेंगल्स हो गई, ट्रायंगल्स हो गई, जो क्लोज्ड फिगर ऐसी हैं, वहां इसे पेरीमीटर बोल देते हैं। पेरीमीटर होता है इर्द गिर्द की दूरी। जैसे ए से चले, ए से पी, पी से बी, बी से फिर अगर ए की तरफ आ जाए, तो ये पेरीमीटर ऑफ इस सेमी सर्कुलर शेप का पेरीमीटर बन जाएगा। तो लो अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं सेमी सर्कल का। जे इसमें ए से लेकर पी, पी से बी और बी से ए, ये सारी दूरी हमने कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस पूरा कैलकुलेट करना है, जहां ए से चले, पी बी से घूम के ए पर वापस आ गए। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आधा कर दो, डी बाय टू, 1.4/2, ये आ गया 0.7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट एपीबी। एपीबी जे इसका सेमी सर्कल का जो हम सर्कुलर पार्ट, इसकी सर्कमफ्रेंस ले लें, प्लस डायामीटर एबी, एबी को ऐड कर दे बीच में। तो इसका सर्कमफ्रेंस जो सेमी सर्कल का, वो कितना बनना, हाफ ही बनेगा। पूरे सर्कल का तो 2πr है, तो सेमी सर्कल का बटा 2 बनना, 2 से 2 कट गए, तो πr बन जाएगा। πr प्लस डी, डी डायमीटर ऑफ ए बी, इसे इन शॉर्ट लिख दिया। पाई की वैल्यू 2/7, आर की वैल्यू 0.7, प्लस 1.4 जे डायमीटर है, यहां लिखा हुआ है जे लेंथ। तो अब काट दो इसको, बस 7/10 लिख लो। जे 7 से 10 7 कट गया, आगे काटने की जरूरत नहीं। 22/10 प्लस 1.4, इसका डेसिमल लगा लेंगे ना, ये बन गया इसका डेसिमल 2.2 प्लस 1.4, ये बन गया 3.6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर 2, ये ऐसी फिगर दी हुई है आपकी बुक में, ऊपर सेमी सर्कुलर पार्ट है, बीच में ऐसे ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, ए बी ते बी सी। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर 2 कैसे निकालेंगे, जहां से चल पड़ते हैं बी ए प्लस सेमी सर्कुलर पार्ट ए पी सी जे प्लस सी बी, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो जो बी ए पार्ट है वो 3 सेंटीमीटर है, जो सेमी सर्कुलर पार्ट है ये कितना होगा, पाई आर, सर्कल का हाफ है ना पेरीमीटर जो सेमी सर्कुलर पार्ट का, जैसे ऊपर मैंने बताया पूरे सर्कल का तो 2πr होता है, हाफ कितना हो गया πr, प्लस सी बी 3 सेंटीमीटर। ये 3 + 3 = 6 हो गया, प्लस πr, पाई की वैल्यू पुट कर दो, 2/7 इंटू 1.4। 1.4 का पहले डेसिमल हटा लिया करो, इसका नीचे डिनोमिनेटर में 10 लग जाएगा ना। अब काटते हैं, 7 × 7 = 14, 6 × 2 = 44 / 10 बने हैं ना, जहां बन गया 44/10। लो एक स्टेप में जहां और कर देता हूं, आपको पता समझ लग जाएगी ऐसे, जे 44/10 आ गया ना, तो इसको ऐसे लिख दो, 6 + 4.4, पॉइंट है बीच में ऐसे। तो जे 6 + 4.4 को कैसे ऐड करते हैं, इसको 6.0 + 4.4, पॉइंट लगा के जितनी मर्जी शून्य लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ऐड करोगे 10.4 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया पैरामीटर ऑफ फिगर 2। वहां आंसर में थोड़ा फर्क था, जहां आंसर में 7.4 सेंटीमीटर निकाला, जहां मिस्टेक है इसे ठीक कर लेना, आपने आना चाहिए 10.4 सेंटीमीटर।
ऐसे ही थर्ड पार्ट है डायमीटर ऑफ, ऐसी फिगर बनी हुई है। तो पहले तो जो सेमी सर्कुलर पार्ट का हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर, चलो इकट्ठा ही निकाल लेते हैं। पहले इसका डायमीटर निकाल लें, ये डायमीटर गिवन ही है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट डी पी सी, ये सेमी सर्कुलर पार्ट डी पी सी है ना, सेमी सर्कल बना, इसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2.8 बटा 2 1.4 सेंटीमीटर आ गया। और पेरीमीटर ऑफ द फिगर, ये सारी फिगर का पेरीमीटर इधर से शुरू कर लेते हैं, जहां से डी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट डी पी सी। लो आप वैल्यू पुट कर देते हैं, डी ए है 2 सेंटीमीटर, ए बी ये 2.8 ही होगा जे बी सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर पाई आर ही होगा ना, टोटल जो सर्कल का था 2 पाई आर, तो ये हाफ ही होगा पाई आर, पाई की वैल्यू इनको पहले ऐड कर लो, 2 2 4 2 6 6.8, पाई की वैल्यू 2/7, आर की वैल्यू 1.4 है। अब 1.4 को 14/10 लिख लो, 7 2 14, 2 2 44, 44/10 आ गया, ये तो लगनी वैल्यू 6.8 प्लस 44/10, इसका डेसिमल लगा लो, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगता है, राइट साइड से छोड़ते हैं, 6.8 प्लस 4.4 इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर आंसर आ गया।